वेलकम टू नागालैंड। और आज हम आपको नागालैंड की जो कोहिमा सिटी है, जो कि राजधानी है, और आपको बताने वाला है कि रात में कैसी चमकती है कोहिमा। लाइफ का मेरा फर्स्ट क्रिसमस नागालैंड में होने वाला है, तो नागालैंड के जितने भी लोग मुझे देखते हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। लोग बड़े ज्यादा यहाँ पे इस टाइम रात को आ रखे हैं, तो भाई साहब है पूरे वेज वाड़े, भाई ने खाली पकौड़ी बना रखी है। देखो उस लड़के का सर चकरा गया, सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और मैं हूँ फिलहाल नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कई दिनों से नागालैंड घूम रहा हूँ, आज करीब 9 दिन मुझे नागालैंड में हो गए हैं, और आज हम आपको नागालैंड की जो कोहिमा सिटी है, जो कि राजधानी है, जो कि कैपिटल है नागालैंड की, वो एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। और यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रही है भैया, जो कि इनका क्रिसमस डे आने वाला है, यानी कि 25 दिसंबर बहुत जल्दी आने वाला है। आज है 9 दिसंबर और यहाँ पे तैयारियाँ बड़ी जोरदार से चल रही है, और हम आज आपको नाइट लाइफ दिखाने वाले हैं कोहिमा की। तो मेरे साथ बने रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार हमारे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। डेकोरेशन देखिए मेरे पीछे काफ़ी अच्छे से इन्होंने बना रखा है, और यहाँ पे क्रिसमस का जो ट्री है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से बना रखा है। देखिए अभी हम चलेंगे, और दोस्तों मैं इस टाइम लाइफ का मेरा फर्स्ट क्रिसमस नागालैंड में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया है। तो इस बार का जो मेरा लाइफ का फर्स्ट क्रिसमस है, उसको मैं नागालैंड में आप सभी लोगों के साथ मनाने वाला हूं। तो नागालैंड के जितने भी लोग मुझे देखते हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों यूं ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट आगे भी बनाए रखना। तो भाई फिलहाल दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, इन सबको दिखाते हैं, उसके बाद हम कोहिमा का जो नाइट बाजार है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और नाइट लाइफ आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई जैसे कि हर जगह हमारे दोस्त बन जाते हैं, वैसे ही हमारे कोहिमा में भी नए दोस्त बने हैं, जो कि ये मोहतरमा जी है, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ही अच्छे हैं भाई। जैसे कि मैं बोला नागालैंड के लोग अच्छे हैं ही, आप पूरे नागालैंड में कहीं भी जाओ आपको वेलकमिंग लोग मिलने वाले हैं, बहुत ही फ्रेंडली है। तो ये हमारे फ्रेंड लोग मिले, से टू हाय एंड से टू वेलकम टू नागालैंड। ओके वेलकम टू नागालैंड गाइस, अभी इन्होंने भी बोल दिया है, तो आइए कोहिमा को एक्सप्लोर कीजिए। अभी चलते हैं कोहिमा मार्केट की तरफ। दोस्तों मैं आज दिन में भी कोहिमा सिटी में आया था, बट दिन में इतनी नहीं चमक रही थी जितनी रात को चमक रही भाई। लोग बड़े ज्यादा यहाँ पे इस टाइम रात को आ रखे हैं। देखिए लुक एट दिस, तो कुछ ऐसे चमकती है भैया कोहिमा रात को। ये देखिए गाइस कितना ज्यादा क्राउड है भाई, ओए मजा आने वाला है। बहुत सारे यहाँ पे फास्ट फूड के स्टॉल लगे हुए भाई, और ज्यादातर यो 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 भैया जी क्या क्या बना रहे हो? पकौड़ी पकौड़ी। तो भाई साहब है पूरे वेज वाड़े, भाई ने खाली पकौड़ी बना रखी है। ये देखिए भैया गजब का यहाँ पे सीन शॉट हो रखा है। आइए भाई आइए कोहिमा, तो कितने खुश है भाई यहाँ पे। भाई सच बताओ ना, मुझे पोखरा की याद आ गई ये सब देख के। देखिए लुक एट, कुछ लोग फूड स्ट्रीट फूड का मजा ले रहे हैं, कुछ लोग ओ वाह, कुछ लोग गेम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ओ अमेजिंग वाह। बट बेस्ट थिंग ये है कि अभी इस रोड पे एक भी गाड़ी नहीं है। दिन में जब हम आए थे ना भाई, सब गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी थी। ओ मोमो बाहर गजब, अमेजिंग भाई अमेजिंग। चलिए 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 भाई साहब, ये तो पूरी नाइट चलने वाला है मुझे लगता है। आप लोग तो इस वीडियो से भाई अभी तक अगर खुश हो रहे हो ना, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। Hello. Hi bro, how are you? Yeah, nice, nice. Woo! Amazing भाई, मतलब अलग दिखने वाला बंदा केवल मैं हूँ भाई यहाँ पे, सच बता रहा हूँ, बाकी तो ये सब enjoy। मतलब साल में एक ही बार तो इनका फेस्टिवल होता है यार, ये बात तो सच है।
तो गाइज अगर आप लोग पार्टी के शौकीन हो या नाइट लाइफ के शौकीन हो तो भैया वेलकम टू नागालैंड। कोहिमा इस टाइम बिल्कुल गजब से सजा हुआ है नाइट लाइफ के लिए। आपको यहाँ बहुत कुछ एंजॉय आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। भैया आइए गाइज, देर ना करते हुए आइए भैया, वेलकम टू नागालैंड। देखिए आपको क्या क्या खाने को मिलेगा। देखिए ये झिंगूर है भाई, शायद मैंने कभी खाया है। आई डोंट नो कि मुझे याद नहीं है, बट शायद ही मैंने कभी खाया है। इधर तो मार्केट ख़त्म हो गया भाई। मुझे लगता है ये केवल स्ट्रीट फूड का मार्केट है। ओ माय गॉड, वाव, लुक लाइक वाव। जो विंटर मार्केट है ना नागालैंड के लोगों के लिए, खासकर कोहिमा के लोगों के लिए, लोग यहाँ पे शॉपिंग करते होंगे। भाई साहब एक्चुअली क्या है कि हम लोग कैश लेके नहीं आए थे, हम लोग जीपे ही हर जगह नागालैंड में कर रहे थे। तभी इस मेले में घुसने के लिए टिकट चाहिए था 20 रुपये का। तो मैं एक्चुअली जाता हूँ उस भाई के पास जो गेट कीपर था, मैंने कहा भाई हम पैसे लेके नहीं आए, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, अगर ऑनलाइन पॉसिबल है तो कर दीजिए। उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है, बोलते उन्होंने कहा यार ऐसे ही चले जाओ, भाई को हिंदी आती थी। और जस्ट चिल ब्रो, वैसे कुछ उतना बड़ा है नहीं है मेला, छोटा सा ही है, बट फिर भी लोग 20 रुपये का एंट्री ले रहे थे, क्योंकि आउटसाइड तो सब लोग आते हैं बट अंदर भाई साहब इस सर्की में देखने जाने के लिए लोग कितने भीड़ लगा के यहाँ पे टिकट लेके बैठे हुए देखे। भाई साहब कतई लाइन लगा रखी है लोगों ने यार ऊपर जाने के लिए। आप देखना भाई ये फुल एंजॉय करने वाले हैं। हेलो 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 हेलो, तकड़े हैं ये बंदे यार। अब देखिए भाई ये लोग जो बैठ गए ना ऊपर उनकी हालत खराब करने वाले हैं। अच्छा इसका टिकट कहाँ से मिलेगा? लेकिन टिकट तो मिलेगा बट ओ 100 रुपीस, भाई साहब 100 रुपये यार। देखो उस लड़के का सर चकरा गया, इसका सर चकरा गया भाई, जो ये नीचे आ रही ना इसका तगड़ा, इसका रिएक्शन देखो भाई, सर चकरा गया। तो भैया कौन बोला था ऊपर जाओ, 100 रुपये खर्च करके गए थे, देखिए सीधा नीचे बैठ गए, इसका सर चकरा गया। सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मजा आया, फन, जस्ट फन, क्योंकि अभी क्या हो गया, जा क्यों नहीं रहा। वाओ भाई सब खतरनाक भीड़ पड़ी है यार, मुझे लगता है नागालैंड में फर्स्ट टाइम ये चरखी आए हैं। और यहाँ पे तो बहुत आते हैं यार भाई, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है। मेरे यहाँ पे जो मेला लगता है ना भाई, उसमें काफ़ी बड़ी आती है। सीरियसली मेरा लाइट भी डाउन हो गया यार। और देखिए बिठा दिया, अब ये सब रोने वाले हैं। देखिए भाई नागालैंड के लोग फुल मजे ले रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी लोग फुल चिल कर रहे हैं भाई। तो भाई साहब अभी मेला ना बंद होने वाला है क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक ही था लास्ट। अभी ये लोग दिखे सब, कुछ लोग तो क्राउड भी कम हो गया, सब लोग अब घर जाने की तैयारी में है। अभी हम लोगों ने भी डिसाइड कर दिया भाई, हम भी अपने रिटर्न चलते हैं, बाय बाय। तो अभी क्या है कि सब लोग यहाँ पे घर जाने लगे हैं, क्राउड भी कम हो चुका है। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ कल फिर से 5 o'clock, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।